शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा होती है। पांचवें दिन गुरुवार को माँ स्कंद माता की आराधना की गई। शुक्रवार को देवी कात्यायनी की पूजा होगी। महर्षि कात्यायन द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण देवी दुर्गा को कात्यायनी कहा गया। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में कात्यायनी पैदा हुई थी। महर्षि ने इनका पालन पोषण किया था। देवी कात्यायनी अमोद्य फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी चार भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। देवी कात्यायनी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः।